रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। पति ने अपनी ही प्रेग्नेंट पत्नी को दो दिनों तक बनाया बंधक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शरद यादव और हमारे चैनल न्यूज घर में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी पोस्ट अच्छी लगे तो उसे लाइक और फॉलो करना ना भूले। आजकल के लोग दहेज के लिए किस हद तक गिर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में देखने को मिला, जहां एक आदमी ने पहले पुलिस को फोन किया कि उसकी पत्नी गायब हो गई है, लेकिन लड़की के ससुराल वालों ने उस शख्स के ऊपर ही एफआईआर दर्ज करवा दी। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि आरोपी पति ने ही अपनी पत्नी को फैक्ट्री के एक अंधेरे कमरे में उसके हाथ पैर रस्सी से बांध रखे थे। फिलहाल महिला की हालत काफी नाजुक है। डॉक्टर्स ने बताया कि महिला के पेट में 5 महीने का बच्चा है और उसे करीब 2 दिनों से बांध कर रखा गया था। इस लड़की का नाम श्वेता है और 2017 में इसकी शादी गौरव नाम के लड़के से हुई थी। पुलिस ने बताया कि गौरव ने यह सब दहेज के लिए किया है।